साधन सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोके रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस, एक ही आस। पीछे सारे मंत्र और रटले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तू ले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा, तेरे हाथ में करने का अभी मौका तेरे पास में है, करते जा, लड़ते जा, हिम्मत नहीं हार, सबको करके दिखा। क्या तेरा भाई तेरा दोस्त तुझसे बोल रहा, कर दिखा, लड़ के दिखा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो शुरू करते हैं आज का द हिंदू का एनालिसिस, या मैं कहूँ यहाँ पर आप लोगों को केवल द हिंदू नहीं बल्कि PIB भी मिलता है, और आपको मिलता है कंप्लीट न्यूज एनालिसिस। पूरा न्यूज एनालिसिस जो है वो हम लोग करेंगे, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस से हो, चाहे वो हिंदू से हो, चाहे वो PIB से हो। पर बात को शुरू करने से पहले एक बार इस स्माइल को देख लीजिए, इन व्यक्ति को तो जानते ही होंगे, नाम है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इनकी आज मैं फोटो डालने के लिए स्क्रॉल कर रहा था, है ना, ढेर सारी फोटोज में स्क्रॉल कर रहा था। स्क्रॉल करते करते ना मेरे को एकदम से ये फोटो दिखी, लुक एट दिस स्माइल। ठीक है, कितना इनोसेंस ही लग रहा है। ठीक है, ही वॉज दैट पर्सन जिस एग्जाम की आप आज तैयारी कर रहे हो ना, इंडियन सिविल सर्विसेज उस टाइम कहा जाता था, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को, ये इंडियन सिविल सर्विस में इनका सिलेक्शन हो गया था। और क्योंकि उस टाइम पे वो एग्जाम के बाद आपको ब्रिटिशर्स के अंदर काम करना था, इनको ब्रिटिशर्स के अंदर काम करना था जिसके तहत देश की सेवा नहीं हो सकती, तो उन्होंने वो इंडियन सिविल सर्विस जो है वो छोड़ दी थी। दिस वॉज द रियल देश प्रेम। ठीक है, ये होता है देश प्रेम, क्योंकि एम क्या है आपका, इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद एम क्या है, देश की सेवा करना। और अगर इस एग्जाम के तहत आप नहीं कर पाते हो, या आप उस पोस्ट को लेने के बाद नहीं कर पाते हो, तो कोई मतलब नहीं है। He was that person जो जर्मनी चले गए किसी जुगाड़ करके, ताकि क्या कर सके, वहां से हेल्प ला सके। फिर वहां से सब कुछ छोड़ के जब पता चला कि जापान में एक इंडियन आर्मी जो है बन चुकी है, वहां से यहाँ है आजाद हिंद फोर्स जो है इन्होंने बनाई, जिसी से ही आपकी क्या हुई, रॉयल इंडियन म्यूटी नहीं। और अगर कोई कहता है ना कि हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से जीते थे, बिना मिलिट्री एक्शन के जीते थे, हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे बिना मिलिट्री एक्शन के, तो गलत कहता है। यू शुड रिमेम्बर दिस रॉयल इंडियन म्यूटिनी। पर हाउ ही डाइड, ये कैसे चले गए हम लोगों के बीच से, किसी को नहीं पता, दैट्स अ मिस्ट्री। और आज है 23rd जनवरी, जिसे गवर्नमेंट ने क्या कहा है, देश पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस आज ही के दिन क्या बनाया जाएगा, पराक्रम दिवस बनाया जाएगा। सो हैप्पी पराक्रम दिवस टू ऑल। ठीक है, और इसी बात के साथ शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट शुभेन सिंह चौहान। 4 साल का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है, रोज सुबह 8:30 बजे आप लोगों के लिए भाई साहब डेली न्यूज एनालिसिस लाता हूं। इसके अलावा इकोनॉमी की क्लास लगती है मंडे टू फ्राइडे, रोज शाम 4 बजे। ठीक है, इसे ज्वाइन कर लिया कीजिए, इकोनॉमी का कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है, चाहे वो कंटेम्पररी इशू हो, चाहे वो आपके हो करंट अफेयर्स, या हो आपका स्टैटिक पोर्शन। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, यहाँ पर आपको PPT और कंप्लीट न्यूज का एनालिसिस रिटन फॉर्मेट में मिल जाता है। ठीक है, और आप लोगों के लिए है मेंटरशिप हेल्पलाइन नंबर 9340487971। आपको कोई भी डाउट हो एग्जाम रिलेटेड, प्रिपरेशन रिलेटेड, या किसी भी तहत, तो आप कर सकते हैं इस पे व्हाट्सअप या कर सकते हैं कॉल, आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। इसके अलावा एक वीकली क्विजेज होते हैं जो आज शाम को 4 बजे होने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, नो मैटर विच सब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए आगे की बात करते हैं। सबसे पहले PIB का डिस्कशन कर लेते हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट PIB आई है। ठीक है, परसों था 21st जनवरी को क्या हुआ था 1971 में। ठीक है, 3 स्टेट कौन कौन सी, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, इन तीनों को मिला था स्टेटहुड। अच्छा, 1971 में मिला था, उसके पहले क्या थे, पूरा हिस्ट्री बताता हूँ। अक्टूबर 1949 जब हम लोग का रिपब्लिक पूरा नहीं हुआ था, भारत एज अ रिपब्लिक नहीं बना था, रिपब्लिक डे कौन सा है, 26 जनवरी 1950। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक का मतलब होता है कि हमारे पास क्या है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, पीपल द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, पीपल द्वारा नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव।
इसी कारण से हम लोग जो आपका 26 जनवरी है उसी दिन हम लोग क्या किए थे, कॉन्स्टिट्यूशन को बताए थे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये है ना, ये था रिपब्लिक डे का मतलब। इस रिपब्लिक डे के पहले जो 1947 था उससे 1950 के बीच में एक तरफ तो संविधान बन रहा था और दूसरी तरफ क्या हो रहा था, स्टेट जो है उसका यूनिफिकेशन हो रहा था। किसके द्वारा हो रहा था? पटेल साहब के द्वारा, ठीक है। तो ये क्या कर रहे थे, ये पूरे देश का यूनिफिकेशन कर रहे थे, द आयरन हैंड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये पूरे स्टेट का यूनिफिकेशन कर रहे थे उसी दौरान अक्टूबर 1949, जिसके अंदर क्या हुआ था, मणिपुर और त्रिपुरा जो है वो क्या आए थे, भारत के यूनियन में आए थे अक्टूबर 1949। इस टाइम पे मेघालय कहाँ था, तो मेघालय जो था वो आसाम का ही भाग हुआ करता था, आसाम का ही भाग हुआ करता था। फिर आपको याद है क्या, ठीक है, जैसे ही ये यूनियन में आए तो 1950 के अंदर स्टेट आज जैसी थोड़ी थी, स्टेट क्या थी, ग्रुप ए बी और सी केस में। ए के अंदर आपकी मेन मेन जैसे बॉम्बे चेन्नई वगैरह ये आ जाती है, बी के अंदर आपकी प्रिंसली स्टेट आ जाती है, और सी के अंदर अदर स्टेट जो थी। तो ये जो आपकी त्रिपुरा और मणिपुर है इन्हें कहां डाला गया था, सी टाइप की स्टेट में डाला गया था। फिर क्या हुआ, फजल कमीशन हुआ। फजल कमीशन के अंदर फजल कमीशन ने क्या बोला था कि स्टेट को लैंग्वेज के रूप में बांट दिया जाए, ठीक है, और कुछ कुछ यूनियन टेरिटरी भी बना दी जाए जो डायरेक्ट सेंटर के कंट्रोल में होगी, है ना। तो जब फजल अली कमीशन आया 1956 के अंदर, तो मेघालय तो अभी भी आसाम का ही भाग था, ठीक है, बाकी जो त्रिपुरा और मणिपुर है इसे क्या बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। क्या बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी बन गई है। जब ये यूनियन टेरिटरी बनी तो ये कब तक रही, 1969 तक रही। 1969 के अंदर क्या हुआ, 1969 के अंदर ये जो मेघालय था इसे ऑटोनोमस स्टेट का दर्जा दे दिया गया आसाम के रीऑर्गेनाइजेशन के तहत। फिर धीरे धीरे करके 21 जनवरी 1972 के अंदर त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय तीनों को एक स्टेटहुड दिया गया, ये तीनों एक अलग स्टेट बनाई गई। इसी कारण से ये 49th फाउंडेशन ईयर है किसके लिए, इन तीनों स्टेट के लिए, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। अब देखो 1972 के लिए 49 थे, तो 1971 के अंदर क्या होगा, 50 साल हो गए होंगे ना। 1971 में क्या हुआ था, 1971 में क्या हुआ था, वॉर हुआ था, इंडो पाकिस्तान वॉर, जिसके अंदर बांग्लादेश को आजाद कराया था, ठीक है। सो उसके 50 साल भी इसी साल पूरे होने वाले हैं, इसी साल उसके 50 साल भी पूरे हो रहे हैं। और जब 50 साल पूरे हो रहे हैं मतलब क्या हो रहा है कि बांग्लादेश के फॉर्मेशन का 50th ईयर है, 50वां साल है ये जब बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ था। इसी कारण से बांग्लादेश जो है वो उसका फाउंडेशन डे बना रहा है 50th वाला, जिसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया गया है। यहां से वहां जुड़ रहा है, बात जुड़ रही है, ठीक है। तो 21 जनवरी 2021 क्या मनाया जाता है, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा के लिए क्या बनाया जाता है, क्या स्टेटहुड दिवस, स्टेटहुड, कंप्लीट स्टेटहुड मिला था इन तीन स्टेट्स को, ठीक है। उसके बाद अगली बात, राष्ट्र रक्षा मंत्री पदक, ठीक है, रक्षा मंत्री पदक जो है वो अभी अभी बांटे गए हैं, ठीक है, दिए गए हैं। किसको दिए जाते हैं, 1989 से ये रक्षा मंत्री पदक जो है वो दिया जाने लगा है। किसको दिया जाने लगा है, ठीक है, कोई भी एनसीसी कैंडिडेट को, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। एनसीसी का मतलब होता है नेशनल कैंडिडेट कॉर्प्स, ठीक है। इनके अंदर अगर कोई बहुत ब्रेवरी का काम करता है या फिर कोई एक्सेप्शनल सर्विस देता है हाईएस्ट ऑर्डर पे, ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर पे होने के बाद कोई एक्सेप्शनल वर्क करता है, उसे दिया जाता है रक्षा मंत्री पदक। हर साल दो लोगों को दिया जाता है ना, और जिसको भी ये रक्षा मंत्री पदक मिलता है उसको 30,000 रुपए एक्स्ट्रा भी दिए जाते हैं, 30,000 रुपए से भी सम्मानित किया जाता है, 30,000 रुपीज एज अ प्राइज रखा जाता है। इसके अलावा रक्षा मंत्री पदक के साथ में उसके नीचे एक और अवार्ड जो है वो आता है, एक और पदक जो आता है वो आता है रक्षा मंत्री कमेंडेशन, ठीक है। ये जो है ये रक्षा मंत्री कमेंडेशन ये चार लोगों को मिलता है, और उसके अंदर भी उसके अंदर 20,000 रुपीज जो है एज अ प्राइज दिया जाता है। और इसके लिए सेम ग्राउंड है कि अगर उसने बहुत एक्सेप्शनल वर्क किया है, किसी व्यक्ति ने ब्रेवरी का बहुत काम किया है, ठीक है, तो उन लोगों को ये जो पदक है, ये जो रक्षा मंत्री पदक है वो दिया जाता है। इतना बात समझ में आया, इतना बात समझ में आया, ठीक है। अगली बात, इंडियन टेलीकॉम सर्विसेज परफॉर्मेंस इंडिकेटर रिपोर्ट, ठीक है। तराई पता है क्या, तराई,
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तराई। तराई क्या होती है? जितने भी आपके टेलीकॉम है, टेलीकॉम मतलब क्या, टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन के जितने भी जरिए हैं, जैसे मैं आपसे ब्रॉडबैंड से कनेक्ट हुआ हूँ तो ये भी आपका टेलीकम्युनिकेशन में आएगा, आपका डीटीएच भी टेलीकम्युनिकेशन में आएगा, आपकी केबल टीवी भी टेलीकम्युनिकेशन में आएगी, आपका रेडियो ब्रॉडकास्ट, ये सब कुछ टेलीकम्युनिकेशन में आएगा। इसकी एक रिपोर्ट निकाली जाती है हर साल, क्या किया जाता है कि आपके जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है, जैसे टेलीकॉम के लिए अलग अलग डीटीएच अगर आपके यहाँ लगा होगा तो किसी सर्विस प्रोवाइडर का लगा होगा, टाटा स्काई का या किसी भी सर्विस प्रोवाइडर का आपके यहाँ पे लगा होगा, तो सर्विस प्रोवाइडर से डाटा लिया जाता है। उस डाटा के अकॉर्डिंग एक इंडिकेटर बताया जाता है जिसके अंदर देखा जाता है कि कौन सा टेलीकॉम सेक्टर कितना ग्रो अप कर रहा है, ठीक है। तो इस बार जो क्वार्टर है उसके अंदर क्या हुआ है कि टेलीकॉम सर्विस के अंदर ईयर टू ईयर, ईयर ऑन ईयर 2.2% जो है वो कम हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है। हाउएवर जो टेलीफोन है उसका इंक्रीज हुआ है, टेलीफोन में इंक्रीज हुआ है। और अभी इस टाइम पे जब लॉकडाउन हुआ करता था, ठीक है, लॉकडाउन के टाइम पे इंटरनेट का यूज जो है वो बढ़ गया है, तो इंटरनेट के यूज के कारण इंटरनेट सब्सक्राइबर की भी ग्रोथ हुई है। अब इंटरनेट सब्सक्राइबर में एक दो बैंड्स होते हैं, एक होता है नेरो बैंड, एक होता है ब्रॉड बैंड, ठीक है। ब्रॉडबैंड के अंदर ज्यादा फास्ट नेटवर्क आता है, इस कारण से इसकी जो जरूरत है वो बड़ी है, ठीक है। क्यों बड़ी है? क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो गया है, वर्क फ्रॉम होम के लिए ज्यादा नेटवर्क की जरूरत होती है, ज्यादा डाटा की जरूरत होती है, इस कारण से लोग जो है वो ब्रॉडबैंड की तरफ गए, नैरो बैंड की क्या हो गई है, कम हुई है। इतना बात समझ में आया? क्यों हुई है, क्यों हुई है, ये समझ आया? आगे बढ़े, एक्सरसाइज कवच। कवच एक्सरसाइज जो है वो क्या हुआ है, मिलिट्री जो है, ठीक है, मिलिट्री की तीनों विंग जो है वो एक्सरसाइज कवच करती है। कवच एक्सरसाइज क्या है? कवच एक्सरसाइज का मतलब है कि हमारे यहाँ पे तीन विंग है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी। ये तीनों नेवी जो है, ये तीनों जो फोर्स है, ये क्या करती है, अंडमान और निकोबार कमांड के अंदर जाके अपनी एक्सरसाइज करती है। एक्सरसाइज मतलब क्या, साथ में कोलेबरेट करके काम करती है। क्यों करती है? देखो, आपकी जो इंडियन आर्मी है, ठीक है, और इंडियन एयरफोर्स है, इन दोनों के बेस अलग अलग है, इन दोनों की ट्रेनिंग अलग अलग होती है। जब मान लो कभी वॉर हुआ तो क्या ये दोनों अलग अलग फाइट करेंगे? क्या साथ में फाइट करेंगे ना? जब ये दोनों साथ में फाइट करेंगे तो दोनों को एक दूसरे का तरीके जो है वो पता होने चाहिए, पहले से पता होना चाहिए कि अच्छा ये इस तरीके से काम करते हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है। जब आप उनके साथ में फाइट करते हो, उनके साथ में एक्सरसाइज करते हो, तो आपको पता चलता है कि वो किस तरीके से काम करता है, उसके अकॉर्डिंग आप भी अपने एक्शंस लेते हो ड्यूरिंग द वॉर। इस कारण से क्या किया जाता है कि तीनों जो आर्मी है, जिनके बेस अलग अलग है, जिनकी ट्रेनिंग अलग अलग है, उनको एक जगह जोड़ने के लिए, ठीक है, इन तीनों की एक्सरसाइज कराई जाती है। जो क्या कहाँ कराई जाती है? अंडमान निकोबार कमांड के अंदर, जो केवल एकमात्र कंट्री में, इंडिया के अंदर केवल एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर जॉइंट फोर्स कमांड जो है वो होती है, जहां पे कराई जा सकती है। आप देखिए इस फोटो में, यहाँ पे इंडियन आर्मी है, यहाँ पर नेवी और यहाँ पे एयरफोर्स है, तीनों। कौन कौन सी चीजों को यूज किया गया, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम, ठीक है। पीआईबी में वो भी दिया गया है कि किस किस चीज को किसने क्या यूज किया, पर वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके अलावा, ठीक है, श्रम शक्ति डिजिटल डाटा सॉल्यूशन जो है वो बनाया जाएगा, ठीक है। जो आपके ट्राइबल अफेयर्स वाली मिनिस्ट्री है, ट्राइबल अफेयर्स वाली मिनिस्ट्री, क्योंकि अक्सर जो लोग हैं ऐसे लोग जो क्या एक जगह से दूसरी जगह जाके काम करते हैं, ठीक है, ऐसे श्रम जो माइग्रेटरी वर्कर्स होते हैं ना, उन लोगों की बात। ये जो माइग्रेटरी वर्कर्स है, इनको बहुत ज्यादा दुविधा अपने जीवन में झेलनी पड़ती है। क्या दुविधा, ठीक है, माइग्रेटरी वर्कर्स को केवल COVID-19 के टाइम पे ही दिक्कत नहीं झेलनी पड़ी है कि वो लोग माइग्रेटरी है तो इस कारण से कोरोना के दौरान बहुत दिक्कत आई है, केवल इस दौरान नहीं बल्कि हमेशा से। समझिए, अगर कोई व्यक्ति माइग्रेशन में वर्क करता है कि आज इस खेत पे वर्क कर रहा है, फिर अगली बार जो है मतलब आपका रेनी सीजन के अंदर MP में किया, फिर उसके बाद जब गर्मी का सीजन आया तो राजस्थान चले गया, फिर उसके बाद विंटर का सीजन आया तो पंजाब में चला गया, तो ऐसे क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हुए ये लोग काम करते हैं। अब ये लोग जब काम करते तो अपने बच्चों को घर छोड़ के जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं, अपने बच्चों को साथ में लेके जाते हैं। जब अपने बच्चों को साथ में लेके जाते तो उनके बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो अगर ये माइग्रेटरी वर्कर है ना, तो इनका बच्चा भी वही करेगा, एजुकेशन नहीं मिल पाएगा ना, एजुकेशन नहीं मिल पाएगा तो क्या हो जाएगा, सब कुछ वहीं अटक जाएगा, ठीक है। सो उस बच्चे की एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली चीज।
दूसरी चीज कि इन लोगों के कोई रिश्तेदार पहचान ऐसे बन नहीं पाती, इन लोगों का एक ग्रुप होता है बस, वही सब कुछ होता है, ठीक है, और बाकी ये सोसाइटी से क्या होते जाते हैं, एक्सक्लूड होते जाते हैं धीरे धीरे करके बाकी सोसाइटी से, बस इनको एक जगह से दूसरी जगह जाके काम करना, काम ढूंढना, यही इनके जीवन में एकमात्र चीज रह जाती है। इसी कारण से आप समझिए कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो कोई फिक्स हाउस होगा क्या, हाउसिंग फैसिलिटी नहीं होगी इनके पास, एक फिक्स हाउस नहीं होगा तो एक और प्रॉब्लम। अब आप कोरोना के अंदर बोले कि अपने घर में रहो, घर ही नहीं, कहाँ रहे, तो ये सारी दिक्कतें जो ये माइग्रेटरी वर्कर को अक्सर देखनी पड़ती है, ये सारी दिक्कतें होती हैं और भी होती हैं, ठीक है। नो रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट नहीं मिलता है, इतना मेहनत करने के बाद, इतना काम करने के बाद कोई रेस्पेक्ट नहीं है, तो ये हालत इन लोगों का है। इस कारण से इनको श्रम शक्ति जो है, श्रम शक्ति क्या किया जा रहा है, श्रम शक्ति किया जा रहा है इनको, श्रम शक्ति नाम का एक डिजिटल सॉल्यूशन जो है वो बनाया गया है, जहां पर एक पूरा डाटा जो है ये जितने भी माइग्रेटरी वर्कर्स हैं, ठीक है, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनका रखा जाएगा और इनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी ताकि ये दूसरी जगहों में भी काम कर सके, ताकि ये माइग्रेटरी काम करने की वजह दूसरी जगहों पर भी काम कर सके, ठीक है। इन माइग्रेटरी वर्कर्स के लिए अगर डाटा सॉल्यूशन बन गया, डाटा बन गया, तो ये माइग्रेटरी वर्कर्स क्या हो जाएंगे, गवर्नमेंट की निगरानी में हो जाएंगे, तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो डायरेक्टली इनके लिए सॉल्यूशन भी बनाया जा सकता है, और दूसरा अगर इनके लिए कोई लॉ बनाना है, तो प्रॉब्लम ये है कि लॉ बनाने के दिक्कत ये है कि लॉ अगर हम लोग को बनाना है तो हम लोग को पता ही नहीं है कि ये लोग कहाँ रहते हैं, किधर रहते हैं, किस स्टेट में किस तरीके से काम करते हैं, नहीं पता है, तो अलग अलग स्टेट के लोगों को अलग अलग तरीके से काम करना पड़ता है, उनके लिए अलग अलग टाइप के लॉ बनाए जाते हैं, ठीक है। इसी कारण से आपके आईएएस जो है वो कहाँ डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग तरीके से इंप्लीमेंट करना पड़ता है एक लॉ को, क्योंकि वहां के लोग अलग अलग है ना, आइडियोलॉजी अलग है, थिंकिंग अलग है, अलग अलग रीजन की। मैं जहां पर हूं मेरी आइडियोलॉजी अलग होगी, मेरा जो सोसाइटी है वो अलग होगा, मेरा इकोनॉमी जो अलग होगा, अगर मैं गांव में हूँ तो मेरी इकोनॉमी एग्रीकल्चर होगी, मैं अर्बन एरिया में हूँ तो मेरी इकोनॉमी कुछ और होगी, मिक्स इकोनॉमी होगी। एक गांव और शहर में इतना अंतर आ जाता है तो स्टेट में सोचो कितना अंतर आ जाएगा। अब लॉ बनाना है, लॉ को इम्प्लीमेंट करना है बेसिक लेवल पे, तो लोगों के अनुसार इम्प्लीमेंटेशन होता है ना, लोगों के अनुसार इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अब जब माइग्रेटरी वर्कर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे, तो इनका पता ही नहीं लग पाता है कि किस स्टेट के कहाँ है, किस तरीके से इनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना है लॉ को, ठीक है। कोई भी चीज अगर इन लोगों के लिए, इनके भले के लिए भी लाई जा रही है, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि इनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। अब एक जगह से दूसरी जगह पर घूम रहे हैं तो डॉक्यूमेंट है नहीं, फिर मांगते रहो डॉक्यूमेंट कहाँ है, डॉक्यूमेंट कहाँ, तो एक ये भी दिक्कत हो जाती है कि लॉ अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है, कोई सी स्कीम इम्प्लीमेंट करना है, तो इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, कैसे करोगे। उन्हें सारी चीजों के लिए, उन सारी चीजों का सॉल्यूशन देने के लिए श्रम शक्ति डिजिटल सॉल्यूशन जो है वो बनाया जा रहा है, जिसके अंदर आपकी ट्राइबल मिनिस्ट्री, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो माइग्रेटरी वर्कर आप देखोगे, ठीक है, अगर आपके गांव के अंदर अगर आप खेत वगैरह हैं आपके, तो वहां पे देखिएगा कि जितने लोग काम करने आ रहे हो ट्राइबल वर्कर्स ही हैं, ट्राइबल लोग ही हैं, तो ट्राइबल लोगों के साथ ये प्रॉब्लम अक्सर होती है, ठीक है। मैक्सिमम जो माइग्रेटरी वर्कर है वो ट्राइबल लोग हैं। अब आप बोलो कि हम लोग कास्ट बेसिस पे काम नहीं करते हैं आजकल, हाउएवर, ठीक है, आपको ये माइग्रेटरी वर्कर मैक्सिमम ट्राइबल ही दिखेंगे, अगर आपको नाली साफ करने वाला है वगैरह है तो मैक्सिमम वो दलित ही दिखेंगे, कोई पंडित है तो वो ब्राह्मण ही दिखेगा। दिस इज अ प्रॉब्लम इन द सोसाइटी, अभी भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है। तो क्या मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल यहाँ पर इसके लिए काम कर रही है, इन ट्राइबल लोगों के लिए, क्योंकि ये माइग्रेटरी वर्कर मैक्सिमम क्या है, ट्राइबल है। इसके अलावा गोवा की गवर्नमेंट भी इस मिनिस्ट्री के साथ में जुड़ के बराबरी से काम कर रही है, ताकि ये श्रम शक्ति डिजिटल सॉल्यूशन जो है वो बनाया जा सके। इतना बात समझ में आया, इतना बात समझ में आया, एक एक चीज का मतलब बताता हूं हर एक चीज का, ठीक है। यहां पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ठीक है, ब्रेक में करेंगे एडवर्टाइज, ठीक है। अन अकेडमी, देखो बेटा, अगर आपको अपने प्रिपरेशन को स्मार्ट करना है तो अन अकेडमी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्मार्ट वर्क के अंदर क्या चाहिए, टाइम मैनेजमेंट चाहिए। टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या चाहिए, कि आपकी क्लासेज जो है वो लाइव हो। क्यों हूँ लाइव होने से कैसे टाइम मैनेजमेंट होगा, देखो क्या होता है ना, कि जैसे मैं अगर 8:30 बजे आता हूँ तो आपको 8:30 बजे आना पड़ेगा। अगर आप 8:30 बजे आएंगे तभी ना आपका काम होगा, ठीक है। तो 8:30 से 9:30 मेरी क्लास अटेंड की, फिर दूसरे टीचर की, फिर दूसरे टीचर की, अपने आप टाइम जो है वो बन गया,
आदत पड़ गई कि अच्छा इस टाइम पे पढ़ना है, उसके बाद जो रात को रिवाइज कर लो, ऐसे करके अपने आप आपका टाइम टेबल बन जाता है, टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। इसके अलावा आप लोगों के लिए क्या है, अनलिमिटेड एक्सेस है कि आप किसी भी टीचर के साथ पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आपके लिए स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, जब कोर्स स्ट्रक्चर होगा तभी ना आंसर स्ट्रक्चर्ड लिखोगे। और आपके लिए है लाइव टेस्ट एंड इवेंट्स एंड क्विजेस, ठीक है। सो अन अकेडमी आपके क्या करता है, सब्सक्रिप्शन को, आपके प्रिपरेशन को और ज्यादा स्मार्ट करता है। और अगर आपको लेना है अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन, तो मैं कहता हूँ बेटा मैं आपका दोस्त हूँ। तो आपकी प्रिपरेशन से लेके आपके पेमेंट से लेके आपके प्रिपरेशन तक हर कदम पे आपका साथ दूंगा। तो आपके पेमेंट के लिए SRC10 कोड है, डायरेक्ट 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। 49,500 का 1 ईयर का है। अगर आप प्रीलिम्स अभी वाली देना चाहते हो 6 मंथ का ले लो, ठीक है, 3 मंथ का ले लो, क्रैश कोर्स करना है तो 1 मंथ का ले लो, अगर ट्रायल लेना हो तो, ठीक है। इसके अलावा आइकनिक कोर्स है जो आपको बिल्कुल एकदम बेहतरीन प्रिपरेशन कराएगा, जिसके अंदर आपके पर्सनल कोच दिए जाएंगे, आपको डेली क्वेश्चन एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, स्ट्रिक्ट प्लानर होगा और आपके लिए होगा पर्सनलाइज फीडबैक सिस्टम। यहाँ पर भी आप कोड यूज कर सकते हैं SRC10, ठीक है। उसके अलावा ऑप्शनल के लिए भी आपको यही कोड यूज करना है, 27,500 का 24,750 के अंदर आपका जो है सारा काम रिजॉल्व हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, यहीं पे हम लोग क्या एडवर्टाइजमेंट को खत्म करते हैं। 2 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। थोड़ा कमेंट वमेंट किया करो, इंडल्ज किया करो यार, है कि नहीं? कोई डाउट है यहां तक? कोई डाउट है? डाउट हो तो पूछो, फिर न्यूज का एनालिसिस करते हैं। गुड मॉर्निंग नीतू। चलो आगे की बात करते हैं, आगे की बात करें। देखो फार्मर्स जो है वो बड़े टाइम से क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं फार्मर्स और गवर्नमेंट के बीच में बड़े टाइम से क्या चल रहा है, स्टैंड ऑफ चल रहा है। किस चीज को लेके? फार्म लॉ को लेके। गवर्नमेंट कह रही है कि हम लोग बिल्कुल फार्म लॉ को हटाएंगे नहीं, हम लोग कुछ चेंजेस कर देंगे, आपको फार्मर्स कोई दिक्कत हो तो आप बता दो, हम लोग चेंज कर देंगे। फार्मर कह रहे हैं कि नहीं, हमको तो ये लॉ हटाना ही है। कल एक न्यूज आई थी, ठीक है, कल जो न्यूज पढ़ाई थी उसके अंदर मैंने कहा था कि फार्मर्स को गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि 12 से 18 महीने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये फार्म लॉ को हटा देंगे, रिपील कर देंगे 12 से 18 महीने के लिए, अभी रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चेंजेस है उसके अकॉर्डिंग चेंज करके इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फार्मर्स ने इसको भी मना कर दिया, बोला कि हम लोग को तो फार्म लॉ का नाम ही नहीं चाहिए। पहले स्टार्टिंग में सारे यूनियन थे, फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ, कुछ यूनियन ने बोला कि हाँ ठीक है यार चला लो, इतने तो काम चल जाएगा। पर हालांकि फार्मर्स जो है उन्होंने क्या कर दिया है, कंप्लीटली मना कर दिया है कि हम लोग चेंजेस नहीं चाहते, हम लोग फार्म लॉ को हटाना ही चाहते हैं। गवर्नमेंट ने बोला कि मैं भी फार्म लॉ को हटाऊंगा नहीं, ठीक है। और इसी कारण से क्या हो गया है, अभी तक क्या होता था कि गवर्नमेंट कुछ चेंजेस बताती थी, बोलती थी अगली मीटिंग में मिलो, अगली मीटिंग में मिलो। गवर्नमेंट ने इस बार ये कह दिया है कि अब मेरे से नहीं होगा, अब मेरे से हो ही नहीं पाएगा, मैं छोड़ रहा हूं। गवर्नमेंट ने यह कह दिया कि अब जो है इससे ज्यादा चेंजेस हम लोग नहीं बता सकते, इससे ज्यादा कंसेशन हम लोग नहीं दे सकते, और बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन को, फार्म लॉ को बिल्कुल हटाना हमारे लिए नामुमकिन है। ये बात गवर्नमेंट ने जो है वो कह दी है। गवर्नमेंट ने बोला है कि अब हम लोग फार्म लॉ तो नहीं हटाएंगे, जितने चेंजेस हम बता सकते थे, जितने हम लोग मिडिल पाथ के ऊपर जा सकते थे, वो सब कुछ हमने बता दिया, पर फार्मर्स जो है वो मानने को तैयार नहीं है, तो हम लोग जो है यहाँ पर छोड़ रहे हैं। और इसी तरीके से फार्मर और गवर्नमेंट के बीच में स्टैंड स्टिल आ गया है। मतलब क्या आ गया है, एकदम स्टैग्नेशन, रुकाव की स्थिति, जिसके अंदर कोई फर्दर मीटिंग ही नहीं है। अब आगे कोई मीटिंग होने की कोई शक्यता नहीं दिख रही है। तो अब किस तरीके से फार्म लॉ का इशू रिजॉल्व होगा किसी को नहीं पता, आगे जाके देखेंगे, कल परसों की न्यूज में कुछ तो आएगा। इसके अलावा बिहार के अंदर क्या हुआ है, बिहार के अंदर एक चीज नोटिस की गई थी कि अक्सर लोग जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना, मिनिस्टर, गवर्नमेंट के खिलाफ ऐसे कमेंट करते हैं जिससे गवर्नमेंट को क्या होता है, दिक्कतें होती है, ऑफेंसिव कमेंट जो है वो किए जाते हैं। तो आपके जो बिहार है, बिहार ने एक क्या पास किया है कि अगर कोई व्यक्ति, है ना, साइबर सिक्योरिटी लॉ पास किया है, जिसके अंदर कहा है कि अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट को, मिनिस्टर को, है ना, किसी एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए के खिलाफ कोई भी ऑफेंसिव वर्क करता है, ऑफेंसिव वर्ड चीजें डालता है, तो उसे क्या होगा, जेल हो जाएगी, उसे क्या हो जाएगी, जेल हो जाएगी। ये
अभी बिहार ने डाला है, देखना कुछ टाइम बाद क्या होगा, इसका फ्यूचर में बताता हूँ। कुछ टाइम बाद कोई व्यक्ति डालेगा पेटीशन, किस बारे में डालेगा, सुप्रीम कोर्ट को, क्या डालेगा कि हर एक व्यक्ति के पास राइट अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एवरीवन हैज अ राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन हर व्यक्ति के पास है। इवन वो किसी भी गवर्नमेंट से, किसी भी मिनिस्टर से सवाल कर सकता है। यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि व्यक्ति के पास क्या है कि वो कुछ भी कह सकता है, बोल सकता है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं, ये एक ह्यूमन राइट है, ह्यूमन की तरीके से भी ये राइट है कि आपको जो पता है आप वो बोलिए, आप उसे एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है। इट इज गिवन, जब संविधान नहीं बना था शायद उसके भी पहले से है ये कि व्यक्ति का जो तरीका है, जो उसको बोलना चाहता है, जो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है वो करेगा। और डेमोक्रेसी की यही खूबसूरती है कि लोग जो है वो अपनी एक्सप्रेशन को बोल सकते हैं, अपनी बातों को सामने रख सकते हैं। जब वो लोग अपनी बातों को सामने रख सकते हैं, इसी से गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म भी आता है और इसी से गवर्नमेंट की अच्छी बातें भी निकल के आती है। पर अगर सरकार ही इतनी मदमस्त हो जाए कि उसको अपना क्रिटिसिज्म ही समझना है, वो उस क्रिटिसिज्म से ही दूर होने लगे, तो लोकतंत्र या प्रजातंत्र तो खत्म हो जाएगा। अगर लोग क्रिटिसाइज ही नहीं करेंगे तो प्रजातंत्र तो खत्म हो जाएगा। और जब आपने ये लिखा है कोई भी ऑफेंसिव चीज को डिफाइन करना तो जरूरी है कि ऑफेंसिव चीज मतलब क्या। कल को किसी मिनिस्टर के खिलाफ ये डाला कि मिनिस्टर ने ऐसा ऐसा कर दिया है, सही बात डाली तो भी उसको जेल में डाल दोगे, है कि नहीं। तो जो फंडामेंटल राइट है, एक व्यक्ति का जो फंडामेंटल राइट है वो यहाँ पे वायलेट हो रहा है, ठीक है। तो फ्यूचर में जरूर से कोई पेटिशन डालेगा, कोई नहीं डालेगा तो मैं डाल दूंगा, ठीक है। The next thing is Biden. Biden respect the successful India. Respect the successful India. क्या है ये चीज, ठीक है। अभी अभी परसों के दिन Biden साहब ने क्या लिया था, Biden साहब क्या बने थे, 46th President of America, United States of America, ठीक है। कमला हैरिस क्या बनी थी, पहली वुमन वाइस प्रेसिडेंट, या इंडियन ओरिजिन की वाइस प्रेसिडेंट, या फिर अफ्रीकन ओरिजिन की वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है, देखो वहां पर क्या होता है, जैसे इंडिया के अंदर क्या होता है ना कि सेक्रेटरी किसको बनाया जाता है, एक आईएएस ऑफिसर को। सरकारें बदलती रहेंगी, आईएएस ऑफिसर नहीं बदलेगा। सरकारें बदलती रहेगी, आईएएस ऑफिसर सेम रहेगा, सेक्रेटरी जो है वहां पर सेम रहेगा। इसी कारण से जब सरकार बदलती है तो आपको एकदम से बहुत बड़ा चेंजेस दिखाई नहीं देता है, धीरे धीरे करके होता है। जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो काम करने वाले हैं वो सेम है, वो बदल नहीं रहे। जो सेक्रेटरीज है वो सेम है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर अमित शाह बदल जाएंगे, मिनिस्टर बदल जाएंगे, सेक्रेटरी सेम रहेगा। इसी कारण से जो ये इम्प्लीमेंटेशन का काम है ना, वो किसको दिया गया है, सिविल सर्वेंट को दिया गया है। अब खूबसूरती देखेगा, पावर देखेगा। माना एक मिनिस्टर जो है हमारे देश के अंदर, एक मिनिस्टर जो है किसी सिविल सर्वेंट का ट्रांसफर करा सकता है, पर इस सिविल सर्वेंट के पास भी अपनी कुछ अलग पावर्स हैं। जो इंप्लीमेंटेशन की पावर जो आप सीआरपीसी वगैरह में देखते हो, आईपीसी में देखते हो, इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड, जिसके अंदर अरेस्ट करने का काम है, वो एक सिविल सर्वेंट ही कर सकता है, कोई मिनिस्टर नहीं कर सकता। जितना भी इंप्लीमेंटेशन का काम जो दिया गया है ना, वो मिनिस्टर को दिया गया, सॉरी सेक्रेटरीज को दिया गया, आईएएस ऑफिसर्स को दिया गया, आईपीएस को दिया गया, एक सिविल सर्वेंट को दिया गया। इंप्लीमेंटेशन सिविल सर्वेंट करेगा, लॉज हालांकि वो बनाएंगे, अगर बदनाम होंगे तो वो होंगे, सिविल सर्वेंट नहीं होंगे, कुछ गपला होता है तो। ये एक प्रोटेक्शन भी है कि हम लोग अगर कुछ काम करेंगे, सिविल सर्वेंट जो कुछ काम करेगा, आप लोग जो काम करोगे फ्यूचर में जाके, तो उसके अंदर आपका नाम नहीं होगा, मिनिस्टर का नाम होगा, हालांकि काम आप करोगे, पर अगर बदनाम भी होगा तो मिनिस्टर होगा, आप नहीं होगे, ठीक है। तो ब्यूटी ये कि वो आपका ट्रांसफर करा सकता है, पर वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकता अपने खुद के थ्रू। इम्प्लीमेंटेशन का पावर जो है वो आपके पास, एक आईएएस ऑफिसर के पास, एक आईपीएस ऑफिसर के पास है, ऐसा है। और वो चेंज नहीं होता है, मिनिस्टर बदलते हैं, ठीक है। पर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर क्या होता है कि मिनिस्टर्स जो हैं, मिनिस्टर के साथ साथ सेक्रेटरीज भी बदलते हैं। जैसे डेमोक्रेट पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी है, तो रिपब्लिकन पार्टी के अपने अलग सेक्रेटरी होंगे और डेमोक्रेट पार्टी के अपने अलग सेक्रेटरीज होंगे। तो मिनिस्टर के साथ साथ सेक्रेटरीज भी चेंज हो जाते हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं।
इसी कारण से नए नए सेक्रेटरी जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में आ रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं। उसी दौरान जो है भारत के लिए बहुत अच्छे अच्छे स्टेटमेंट आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया जो है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का ही पे है ट्रेड वॉर पे चाइना के साथ में, चाइना के साथ में का ही पे है ट्रेड वॉर पे। अब चाइना के साथ में ट्रेड वॉर पे चाइना को कंटेन करना है तो चाइना के पास में एक इंपॉर्टेंट पावर चाहिए, कि भारत से बड़ी शक्ति तो है ही नहीं आसपास। ये चीज है, समझ आया? ठीक है, तो इसीलिए लगातार जो है भारत को मक्खन लगाया जा रहा है नए सेक्रेटरी के द्वारा, ये बताया जा रहा है कि भारत कितना इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा, ताकि रिलेशन जो है वो और स्ट्रांग हो सके। ये प्रेस सेक्रेटरी ने अभी जो है वो दिया है कि बिडेन को बिल्कुल इंपॉर्टेंस है इंडिया के सक्सेसफुल होने की, क्योंकि जितना इंडिया पावरफुल होगा उतना ही चाइना को कंटेन करने में ईजी होगा। बिडेन जो है वो भारत आए थे 2008 में भारत आए थे सिविल न्यूक्लियर डील को लेकर। इंडिया को क्या हुआ था, आपको ये कहानी पता है या नहीं? अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशन आपने पढ़ लिया होगा तो पता होगा, और अगर नहीं पता होगा तो एक बार मैं बता देता हूँ। इंडिया जो है, देखो क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है आईएईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग मेंबर्स हैं, और ये आईएईए का काम होता है कि कंट्रीज को देखे कि वो क्या न्यूक्लियर के लिए, न्यूक्लियर जो अपने न्यूक्लियर डेवलपमेंट है उसका काम किस तरीके से कर रही है, क्या वो उस न्यूक्लियर वेपन के लिए, वेपन को बनाने के लिए कर रही है, या फिर वो सिविल पावर प्लांट बनाने के लिए कर रही है। अगर वो सिविल के लिए कर रही है तो उसे दूसरी कंट्री जो है वो एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट नहीं, सॉरी वेपन के लिए कर रही है तो एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट दूसरी कंट्रियों से नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं वेपन के लिए बनाना चाह रही है, भारत के वेपन के लिए न्यूक्लियर वेपन डेवलप करना चाह रही है, तो यूरेनियम जो चाहिए होता है, अगर वो देश में नहीं है तो वो नहीं बना पाएगी, क्योंकि बाहर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो नहीं होगा, क्योंकि कुछ कुछ कंट्री को ही ये पावर है कि वो क्या कर सकती है, एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट कर सकती है, और इंडिया के पास वो पावर नहीं था, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा था कि, और इंडिया जो है वो सिविल एनर्जी के अंदर बहुत पावरफुल होना चाहता था, अपने आप को सिविल एनर्जी के अंदर लाना चाहता था। जब अमेरिका, तो क्या हुआ कि इंडिया जो है वो अपने आप को सिविल एनर्जी के, न्यूक्लियर एनर्जी के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में अपने आप को पावरफुल करना चाह रहा था उस टाइम पे इंडिया, ठीक है। तो पर दिक्कत ये थी कि यहाँ पे एक रेगुलेशन लगता है कि आपके पास जब तक लाइसेंस ना हो आप नहीं कर सकते हो। इंडिया को लाइसेंस नहीं मिल रहा था क्योंकि चाइना अपना वीटो पावर जो है वो यूज कर रहा था वहां पर। तो इंडिया को यूएस ने एक सजेशन दिया कि आप क्या करो, दो तरीके से एक्सचेंज कर लो, चेंजेस कर लो, दो चीजों में बांट लो अपनी चीजों। पहली चीज ये है कि आप जो है अपने सिविल न्यूक्लियर एनर्जी को अलग रखो, और आपके न्यूक्लियर एनर्जी को, न्यूक्लियर वेपन वाली एनर्जी को अलग रखो। वेपन जो है वो आपके इंडिजीनस, जो आपके यहाँ पे यूरेनियम मिलता है उससे डेवलप करो, और जो सिविल वाला है उसको आप लगातार इंपोर्ट भी कर सकते हो, एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, इसकी परमिशन मैं दिलाऊंगा। और यूएस ने भारत को सिविल एनर्जी के लिए परमिशन दिलाई, और इंडिया जो है आज सिविल एनर्जी के अंदर कोलैबोरेशन कर पाता है। 2008 में इसी दौरान आपके बिडेन साहब भारत आए थे, ठीक है, किस चीज को लेके, कि ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसकी इंडिया और यूएस के बीच में डील करने के लिए, कि हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। हालांकि इंडिया के अंदर अभी तक कोई भी न्यूक्लियर सिविल प्लांट, ठीक है, किसी भी फॉरेन कंट्री का नहीं, हम लोगों ने कनाडा से कोलैबोरेशन किया हुआ, ऑस्ट्रेलिया से, रशिया से, यूएस से, पर किसी का भी पावर प्लांट यहां पर नहीं है एक्सेप्ट रशिया। रशिया एकमात्र ऐसा कंट्री है जिसका सिविल प्लांट भारत में है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स भी आया था, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हमारा न्यूक्लियर डील है, पर अभी तक उसका प्लांट जो इंडिया में सेटअप नहीं हुआ है, ठीक है। तो बिडेन साहब 2008 में आए थे, 2013 के अंदर आपको पता होगा ओबामा की गवर्नमेंट थी, तो ओबामा की गवर्नमेंट के दौरान बिडेन साहब कौन थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, तब भी वो इंडिया का विजिट करके गए थे। इसी कारण से इन्होंने कहा है कि बिडेन साहब के लिए इंडिया का सक्सेसफुल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और काफी टाइम बिडेन साहब भारत में आए हुए हैं तो उनको भारत का जो कल्चर है वो बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से मक्खन लगाने की वाली बात, समझ आ रहा है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है कि ट्रंप के इम्पीचमेंट की बात की जा रही है सेनेट के अंदर, ठीक है। ट्रंप पहले ऐसे प्रेसिडेंट है जिसके खिलाफ दो बार इम्पीचमेंट जो है वो होने वाला है। अभी तक सबके खिलाफ जो है वो एक एक बार हुआ था। क्यों होने वाला है? क्योंकि ट्रंप ने अपने लॉयलिस्ट को कहां घुसा दिया था, वॉशिंगटन में, क्योंकि इनको अपना ऑफिस छोड़ना था, ये नहीं चाह रहे थे अपना ऑफिस छोड़ना, तो अपने जो लॉयल लोग हैं उनको घुसा दिया। तो उन्होंने क्या किया, मॉब लिंचिंग टाइप से वहां पर बिल्कुल तोड़फोड़ करने की कोशिश की,
ठीक है, जिससे क्या हुआ, अमेरिका की सॉवरेनिटी को दिक्कतें होने लगी, प्रॉब्लम खड़ी हो गई इंडिया अमेरिका की सॉवरेनिटी के लिए। आप समझिए कि जब राष्ट्र का सबसे बड़ा हेड ही राष्ट्रपिता ही राष्ट्र का नष्ट करने पे उतर जाए तो राष्ट्र का क्या हालत होगा। तो भविष्य में उस राष्ट्र की प्रोटेक्शन के लिए, उस राष्ट्र की रक्षा के लिए, ठीक है, ऐसे राष्ट्रपति को दंड देना आवश्यक है। और कि जब ऐसे राष्ट्रपति को दंड देना आवश्यक है तो उसके लिए एक इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो है वो बनाया गया। इम्पीचमेंट मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए अलग से रिमूवल नाम नहीं लिया जाता है, इम्पीचमेंट बोला जाता है, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो यूएस हो, दोनों ही जगह पे, ठीक है। तो ट्रंप को क्या किया जा रहा है, इम्पीच किया जा रहा है दूसरी बार, जिसके अंदर एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या होता है वो आपके यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इम्पोर्टेंट ये है कि ये पहले ऐसे प्रेसिडेंट बनने वाले हैं जिनके खिलाफ दो बार इम्पीचमेंट होने वाला है, और अभी इनको सेनेट में ले जाया जाएगा जहां पर इनसे पूछा जाएगा क्यों भाई क्यों किया तुमने, सारी चीज होगी, फिर वोटिंग की जाएगी और उसके अनुसार ये पता किया जाएगा कि अच्छा ये इम्पीच हुए या नहीं हुए। अगर इम्पीच होंगे तो इनसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी छीन लिया जाएगा, और ये पहले ऐसे प्रेसिडेंट होंगे जो इम्पीच होंगे। अभी तक इम्पीच कोई भी नहीं हुआ है, प्रोसेस तीन लोगों के खिलाफ हुई है पर इम्पीच कोई नहीं हुआ। ये अगर इम्पीचमेंट हो गया तो ये पहले ऐसे प्रेसिडेंट तो ही जिनके खिलाफ दो बार प्रोसेस चली है, ये पहले ऐसे प्रेसिडेंट भी बन जाएंगे जो इम्पीच हुए हैं। इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़े। देखो बड़े टाइम से एक चीज चल रही है हांगकांग के अंदर, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था चाइना के अंदर जो 5 पॉइंट है, कहां कहां दिक्कत है, कहां कहां पे प्रॉब्लम आती है, ठीक है। एक तो आपका तिब्बत वाला रीजन, जहां पे उन्होंने एक्सेस क्या किया था 1949 में, तिब्बत को हथिया लिया था, तिब्बत एक सेपरेट कंट्री हुआ गया था, और तिब्बत लगातार बोलता है कि मुझे आजाद करो। ऐसे ही एक जिंगजियांग रीजन है जहां पर उइगुर मुस्लिम रहते हैं, आपने अक्सर सुना होगा उइगुर मुस्लिम के बारे में, जिन्हें ये चाइना क्या करता है, डिटेंशन कैंप में डालता है। ताइवान के बारे में सुना होगा, एक हांगकांग भी रीजन है। हांगकांग जो रीजन है वो कहां था, वो ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था। किसकी कॉलोनी था, ब्रिटिश की कॉलोनी था, पर जब ब्रिटिश वहां से छोड़ के गए तो ब्रिटिश ने बोला चाइना तू ले ले, चाइना के यूनियन के अंदर वो गया था। पर चाइना के यूनियन के अंदर जब वो गया तो ब्रिटिश ने एक शर्त रखी थी, जैसे इंडिया के अंदर जब गोवा दिया गया था तो शर्त ये थी कि वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड चलेगा, वैसे ही ब्रिटिशर ने जो शर्त रखी थी वो ये रखी थी कि चाइना आप डेमोक्रेटिक नहीं हो पर हांगकांग के अंदर डेमोक्रेसी होनी चाहिए। इनिशियली चाइना ने क्या किया था, डेमोक्रेसी दी थी, फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ कि हांगकांग से डेमोक्रेसी खींचने को शुरू कर दिया, और वापस से जो मेन लैंड में लॉज है वही हांगकांग में लगना शुरू करने लगा। तो हांगकांग के जो एक्टिविस्ट है उन लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्ट किया। जब हांगकांग के एक्टिविस्ट ने प्रोटेस्ट किया तो चाइना ने ब्रूटली उस चीज को हैंडल किया, मारा काटी की। तो यूरोपियन यूनियन जो ब्रिटिश वगैरह का है, ठीक है, उस टाइम पे ब्रिटिश जो है वो ब्रेक्सिट नहीं किया था, तो उस टाइम पे यूरोपियन यूनियन ने बहुत क्रिटिसाइज किया, आज भी यूरोपियन यूनियन करता है, और जितनी डील है वो कैंसिल कर दी गई है। किस तरह, ताकि चाइना के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके कि आप आपके लोगों के फंडामेंटल राइट, उनकी जो फ्रीडम है वो छीनने की कोशिश कर रहे हो। हम लोग ऐसे लोगों से बात नहीं करते, हम लोग ऐसे लोगों से रिलेशन नहीं रखते। चाइना जो है वो कह रहा है कि मेरा इंटरनल इशू है, कि मेरा हांगकांग मेरा है। यूरोपियन यूनियन को ये बात एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हांगकांग अब चाइना में आ चुका है। However, पहले जो भी डील थी, इन्होंने कहा है कि यूरोपियन यूनियन इज अ ग्रॉस इंटरफेरेंस, ठीक है, लोगों के अंदर इंटरफेयर करते हैं ये लोग, ऐसा चाइना ने कहा है। मतलब आप गलती करो, आप लोगों को मारो और हम लोग कुछ बोल दें तो उसके अंदर हम लोग इंटरफेरेंस हो जाता है। इतना बात समझ में आया। गुड मॉर्निंग अविनाश, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप। इतना बात समझ में आया। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, न्यूज में क्या पढ़ लिया, एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि बिडेन साहब जो है वो क्या है, भारत में कई बार आ चुके हैं, और आपका जो वॉशिंगटन है उसने कहा है कि बिडेन साहब को इंडिया के सक्सेसफुल होना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, और इंडिया का जो कल्चर है दैट इज वेरी ब्यूटीफुल अकॉर्डिंग टू हिम। इसके अलावा हम लोगों ने बात की कि फार्म लॉ के अंदर एक स्टील आ चुका है। हम लोगों ने बात की कि बिहार के अंदर जो लॉ आया गया था जिसके अंदर क्या हुआ था कि कोई भी ऑफेंसिव पोस्ट अगर करता है मिनिस्टर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ तो क्या होगा, मिनिस्टर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ कोई भी ऑफेंसिव कमेंट होगा तो उसको क्या किया जा सकता है, जेल में डाला जा सकता है। इसके अलावा हम लोगों ने बात की बिडेन के बारे में, हम लोगों ने बात की ट्रंप पहले ऐसे प्रेसिडेंट बनने वाले मंडे को, जिनके खिलाफ दो बार इम्पीचमेंट का प्रोसेस होगा, और हम लोगों ने बात की कि अगर ये इम्पीच हो गए तो ये पहले ऐसे प्रेसिडेंट बनेंगे जो इम्पीच हुए। इसके अलावा चाइना की बात की, चाइना के अंदर जो आपका हांगकांग वाला रीजन है उसकी बात की, फिर उसके बाद बात करते हैं इंडिया ने आर्कटिक सर्कल के अंदर टूरिज्म जो है वो अलाउ किया है,
उसको प्रमोट करने की कोशिश की। क्यों की है? क्योंकि जो आर्कटिक सर्कल है, देखो क्या होता है ना, ज्योग्राफी अगर आप लोग अच्छे से पढ़े हो तो ज्योग्राफी थोड़ा सा जगह ढूंढ के यहाँ बता देता हूँ। ज्योग्राफी के अंदर क्या होता है कि आप जितना लेटिट्यूड एल्टीट्यूड पे ऊपर जाते हो उतना ही टेम्परेचर क्या होता है बढ़ता जाता कम होता जाता है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से। जितना आप लेटिट्यूड में बड़े पे जाते हो, ठीक है, जितना आप नॉर्थ में जाओगे, ठीक है, अगर वर्ल्ड के अंदर मैप पे आप ऊपर रशिया की तरफ जाओगे तो वहां पर भी ऐसे ही कोल्ड जो है वो होने लगता है। और आर्कटिक सर्कल में जो टेम्परेचर है वही यहाँ इंडिया के अंदर जो एल्टीट्यूड यानी हिमालय है वहां पर लगभग सेम है। पर एक क्वेश्चन का इशू ये है कि हिमालय जो है वो बहुत बड़ा वाटर फ्रेश वाटर का सोर्स है, वहां के ग्लेशियर गंगा कहाँ से निकलती है, गंगा कहाँ से निकलती है, गंगा की ट्रिब्यूटरी कहाँ से निकलती है, सब यहीं से। इंडस रिवर सबसे बड़ी रिवर इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान नाम ही इंडस रिवर पे रखा गया, जहां पे आपकी झेलम वगैरह सतलज वगैरह ये सब कहां से निकलती है, हिमालय से। आपकी ब्रह्मपुत्र कहां से निकलती है, हिमालय से। चाइना की हुआंग रिवर कहां से निकलती है, हिमालय से। पर कैसे निकलती है, इतना सारा वाटर आ कहां से रहा है, ये मेल्ट कैसे होता है, उसकी प्रोसेस जान पाना बहुत दिक्कत का इशू है क्योंकि हिमालय बहुत ऊपर है, साइंटिस्ट कई बार जा नहीं पाते हैं क्योंकि मिलिट्री को भी जाने में इतना प्रॉब्लम होता है। इस कारण से आर्कटिक के अंदर टूरिज्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि क्या हो, जो एल्टीट्यूड यहाँ पर है, जो टेम्परेचर यहाँ पर है, ठीक है, वही टेम्परेचर आपको आर्कटिक सर्कल के वहां पे लगभग मिलता है। तो वहां का जो टेम्परेचर है यहाँ का जो टेम्परेचर है सेम है, तो कैरेक्टरिस्टिक जो ग्लेशियर शो करेंगे वो सेम करेंगे। तो किस तरीके से वाटर कम होता है, परकोलेट होता है, वो सब का नॉलेज जो है वो हम लोग ले सकते हैं, जो आपके ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लोगों के लिए टूरिज्म भी यहाँ पर क्या किया गया है, उसको भी बढ़ावा देने की बात की गई है। अब समझो कि आर्कटिक सर्कल में कौन कौन सी कंट्री आती है, ठीक है, मैं बोलूँ यूनाइटेड स्टेट्स आती है क्या, जल्दी बताओ आती है क्या, यूनाइटेड स्टेट्स आती है क्या, कमेंट करो अंदर। हाँ, अलास्का, अलास्का कहाँ है, अलास्का कहाँ है, इधर दिख रहा है। अब आप बोलोगे सर अलास्का तो ऐसे सीधा दिखता है, अर्थ गोल है, अलास्का का जो ऊपर वाला पार्ट है वो बहुत कोल्ड है, वाह राइमिंग हो गया, ठीक है। नॉर्वे स्वीडन वगैरह तो आप सबको पता होगा, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज तो है ही। डेनमार्क ग्रीनलैंड जो है उसके जस्ट पास में आता है, ग्रीनलैंड किसका है, डेनमार्क का है। रशिया तो है ही है, कैनेडा है, ठीक है, ये सब आर्कटिक सर्कल के अंदर कंट्रीज आती है। टोटल 8 कंट्री, नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड जो आपकी कौन सी है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, ठीक है, रशिया, डेनमार्क, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स। इतनी बात समझ में आई। इसके अलावा आपकी एनबीएफसी के लिए क्या किया गया है, रेगुलेशन को लगाया जाने की बात की गई है। एनबीएफसी मतलब क्या, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ऐसी कंपनी जो बैंक में नहीं है बाकी फाइनेंशियल एक्टिविटी करती है। अगर आप लोग कॉलेज के टाइम पे हैं, कॉलेज के टाइम पे एक ऐसे मनी भी करके ऐसे कुछ ऐप्स हैं जो क्या करते हैं, मनी लैंड करते हैं, मनी देते हैं। गूगल पे जो है वो बैंकिंग नहीं है, बैंक नहीं है, पर काम क्या करता है, बैंकिंग का करता है। तो ये क्या, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, फाइनेंस का काम करते हैं पर बैंक नहीं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ लैंडिंग की, लैंडिंग वाले जैसे मनी भी वगैरह ये सारी कंपनी जो आपको 2,000 रुपए आप लोग लोन लेते हो अगर आप स्टूडेंट टाइम पे हो तो, ठीक है, तो ये लैंडिंग वाली कंपनी जो है इन्हें कहा जाता है नॉन सिस्टमेटिक कंपनी, ठीक है, ये बहुत बड़ी कंपनी नहीं होती है, बहुत बड़ी कंपनी नहीं होती है नॉन सिस्टमेटिकली, इनका बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता ऑनलाइन में। जो नॉन बैंकिंग है उससे कई बार पैसे जो लिए जाते हैं वो बहुत कम लिए जाते हैं, ठीक है। अब एनबीएफसी क्या है, पूरा फाइनेंस पे डिपेंड करता है, जो इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। अगर ये फाइनेंस गिरा, जैसे अगर गूगल पे मान लो क्रैश हो गया, ठीक है, तो उसके अंदर बहुत लोगों का पैसा अटक जाएगा, बहुत लोगों का पैसा अटक जाएगा, तो इकोनॉमी के अंदर एक स्पिल ओवर इफेक्ट जो है वो अपने आप क्रिएट हो जाएगा कि इकोनॉमी के अंदर जो प्रॉब्लम है, अगर गूगल पे क्रैश हुआ तो पूरे इंडिया के अंदर जो इकोनॉमी की प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि लोगों का पैसा जो अटक जाएगा, लोगों का पैसा अटक जाएगा तो हाहाकार हो जाएगा, ठीक है। सो अलग अलग बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है, उनका एक अलग अलग इफेक्ट होता है। और अभी के टाइम पे गवर्नमेंट या आरबीआई क्या नहीं कर सकती, कुछ भी रिस्क नहीं ले सकती इन लोगों के लिए। तो आरबीआई क्या कर रहा है, इनके ऊपर रेगुलेशन लगाने की कोशिश कर रहा है। रेगुलेशन लगाने के लिए उसने क्या किया, एक पिरामिड टाइप से बनाया, जिसके अंदर सबसे नीचे लोग जो है वो नॉन सिस्टमेटिक कंपनी आती है, जो मनी भी जैसी है, जो क्या करती है, लेंडिंग करती है। कुछ कंपनी है जो डिपॉजिट करने में आपको काम आती है, पैसे डिपॉजिट करने के लिए, ठीक है, मनी लैंड करना, डिपॉजिट करना दोनों देती है, योनो जैसी, एसबीआई का योनो वगैरह।
ठीक है, कुछ कंपनी है जो क्या है आपका गूगल पे वगैरह, जो क्या है जिसके अंदर क्या है कि बहुत ज्यादा ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेगी जो क्या हो सकती है इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा इफेक्ट दे सकती है। ये हो जाती है आपकी सिस्टमैटिकली सिग्निफिकेंट, सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, आपके अंदर स्पिल ओवर इफेक्ट, आपकी इकोनॉमी के अंदर रिस्क जो है ये क्रिएट कर सकती है। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे इसके अंदर क्या होते जाएगा, इन कंपनियों के खराब होने से या इन कंपनियों के अंदर कुछ भी वर्क में प्रॉब्लम होने से रिस्क जो है इकोनॉमी के अंदर बढ़ जाएगा। ये अभी तक तीन सेक्टर जो बनाए गए हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में, अगर कोई सा ऐसा नया सेक्टर उभर के आता है तो उसको सबसे ऊपर रख दिया जाएगा पिरामिड के अंदर। क्यों? क्योंकि नया सेक्टर है, अभी जानकारी नहीं है उसके बारे में कि उसका कितना इफेक्ट है, तो सबसे ज्यादा रेगुलेशन जो इसी पे लगाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो रिस्क बढ़ रहा है, रिस्क बढ़ रहा है तो रेगुलेशन क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, उनके ऊपर पकड़ के रखना पड़ेगा, जकड़ के रखना पड़ेगा कि आप ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, कि कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो वो आरबीआई जो वो हैंडल कर पाए। समझ आया क्या बात है ना, इतनी बात समझ आई। अब अगर किसी कंपनी के किसी अगर कोई सी चीज है, कोई सा रेगुलेशन जो लाया गया, मान लीजिए ऐसा रेगुलेशन लाया गया है कि आप डिपॉजिट नहीं कर सकते मनी, ठीक है, अगर वो किसी हायर ऑर्डर के लिए लेके आया, मतलब ऊपर वाले के लिए लेके आया, ठीक है, अगर ऊपर वाले के लिए लेके आया तो कोई बात नहीं, अगर कोई सा रेगुलेशन आरबीआई लेके आया किसी नीचे वाले के लिए, बोला गया है कि नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कंपनीज के लिए ऐसा ऐसा, तो वो वाला जो रेगुलेशन है वो ऊपर वाली कंपनीज पे भी लगेगा, अनटिल एंड अनलेस बोला नहीं जाए कि नहीं लगा रहे हैं। मतलब कि अगर कोई सा लेंडिंग का, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि यहाँ पे मनी भी वाली कंपनी है, यहाँ पे आपका गूगल पे है, ठीक है, यहाँ पे आपका योनो है, यहाँ पे आपका गूगल पे, ठीक है, कोई सा रेगुलेशन मनी भी वाली कंपनी के लिए लाया गया है, तो अगर मनी भी वाली कंपनी जो नीचे ऑर्डर में है इसके लिए कोई सा रेगुलेशन लाया गया है, तो वो रेगुलेशन ऊपर वाली कंपनियों पे भी लगेगा, अनटिल एंड अनलेस आरबीआई ये ना बोले कि गूगल पे पे ये वाला रेगुलेशन नहीं लगेगा, तब तक तो वो लगेगा, जब तक आरबीआई ना बोले कि हाँ चलो गूगल पे को छोड़ दिया इस रेगुलेशन के अंदर, है ना। तो लोअर ऑर्डर के लिए जो रेगुलेशन होगा वही क्या होगा अपर ऑर्डर के लिए भी होगा। इसके अलावा कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट हैं, कुछ छोटे मोटे फैक्ट हैं जो आगे जाके बड़े न्यूज बनेंगे, ठीक है, जो मैंने आपको कल पढ़ाया था कि पार्डन की क्या बनने वाली, पार्डन किसको दिया जा रहा है, ठीक है, आपके पेरारी वलन को। पेरारी वलन कौन है? ये वही है जो 1991 में राजीव गांधी का असासिनेशन किए थे, उनको मारे थे, ठीक है। पार्डन क्या होता है उसके बारे में अगर आपको देखना है तो कल वाला न्यूज जो आप अच्छे से देख सकते हो, पहला या दूसरे न्यूज में मैंने आपको पूरे अच्छे से इसको डीप में बताया कि गवर्नर का क्या पावर होता है। आर्टिकल 161 के तहत गवर्नर जो है किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकता है, पार्डन कर सकता है। पार्डन मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो ऐसा हो जाएगा, कोई भी क्रिमिनल जो है वो ऐसा हो जाएगा, उसे ऐसा मान लिया जाएगा कि वो अभी अभी बच्चा पैदा जैसे होता है ना, जितना इनोसेंट उतना इनोसेंट उसको मान लिया जाता है पार्डन के थ्रू। और यही पेरारी लवन को क्या किया गया है क्या किया गया है, पार्डन करने की बात की गई है, ठीक है। होम मिनिस्ट्री ने प्रेसिडेंट को बोल दिया, बाकी प्रेसिडेंट ने होल्ड करके रखा और यही बात सुप्रीम कोर्ट के पास गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज पे बोला था कि जल्दी से जल्दी गवर्नर अपना डिसीजन सुना है, हम लोग रुक के बैठे हुए हैं यहाँ पे। इससे एक चीज और निकल के आती है कि आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि एवरीवन शुड बी इक्वल, हर कोई इक्वल है, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ एंड इक्वालिटी बाय द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन बाय द लॉ, इक्वल बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बाय द लॉ, ये कौन बोलता है, आर्टिकल 14 बोलता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे वो कोई भी हो। तो असैसिनेशन प्राइम मिनिस्टर का करने वाले को भी पार्डन किया जा रहा है, जिसने देश के प्रधानमंत्री को मारा है उसको पार्डन किया जा रहा है, माफ किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि लॉ जो है वो सुप्रीम है, प्राइम मिनिस्टर होगा बाकी उससे ऊपर लॉ है, और अगर लॉ कहता है कि गवर्नर ने कहा पार्डन तो पार्डन, तो यहाँ पे पार्डन किया जाएगा। इसके अलावा आपका प्रीलिम्स का एक और फैक्ट है कि 82.5% जो है आपका क्या हो रहा है पेंडेमिक में स्टेट बोरोइंग जो है पुश हुई है, मतलब जो स्टेट लोन लेती है ना वो बढ़ गई है 82.5%। क्यों बढ़ी है? क्योंकि जीएसटी का कंपनसेशन वाली कहानी याद है, जीएसटी के अंदर शॉर्टफॉल हुआ था, जीएसटी के शॉर्टफॉल होने की वजह से क्या हो गया था, यही जो स्टेट से उन्हें क्या कहा गया था, पैसे जो है वो बोरो कर लो, तो पैसा जो है वो क्या करने लगी, बोरो करने लगी, इस तहत क्या हुआ स्टेट का बोरोविंग जो है वो इंक्रीज हो चुका है। इतना कहानी समझ आया? तो यहाँ पर एंड अप करते हैं, इतनी आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज थी।
इसके अलावा आपको मैंने अन अकेडमी के बारे में बता दिया है। शुभेन सर अन अकेडमी करके चैनल है, प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा। द हिंदू का रेगुलर एनालिसिस आपको यहाँ पर मिल जाता है, रेगुलर एनालिसिस। और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, रिटन फॉर्मेट में एनालिसिस मिलेगा, मतलब आपको नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा SRC10 कोड है अन अकेडमी के लिए, अगर आपको करना है सब्सक्रिप्शन तो SRC10 कोड को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे गाइस।